हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अदर व्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी। और आज आए हम न्यू दिल्ली और विज्ञान भवन, और आज यहाँ एक इवेंट है तो हम सारे आए हैं। देखो ये रे भाई, और वे ले रहे हैं एंट्री कार्ड, ये मिल रहे हैं एंट्री कार्ड, और फिर चलते हैं अंदर। अब हमें पास मिल गया अंदर जाने के लिए, और ये रे सारे भाई एंट्री गेट पे हमें ये दिखाना पड़ेगा, उससे पहले जाने के नहीं है अंदर। और भाई भैया से बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। अब यहाँ से हम फ्री हो गए हैं, भैया ने बात कर ली है और अब निकलते हैं अंदर, एंट्री गेट दिखाएंगे हम। देखो फ्रंट गेट जो है जिससे हम एंटर करेंगे अंदर। चलो ये देख लो, ये है विज्ञान भवन। ये देख लो भीड़ लग रही है और चेकिंग होके अंदर चल रहे हैं। और देखो पीछे चेकिंग हो रही है, कम से कम दो बार हमें चेक करके अंदर भेजा गया है। इवेंट तो पूरा भी सेटअप नहीं हुआ है। इवेंट में तो चलो इवेंट में चलते हैं। हमने नीचे का सारा एक्सप्लोर कर लिया है, तो और अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर विजिट करेंगे। ये आ गया फर्स्ट फ्लोर। हम भैया इसके बारे में बता सकते हो थोड़ा बहुत? ये सिटी स्टेशन है। हाँ भैया, तो इसको चार आईपी कैमरा रहते हैं। इसके अंदर एक ए हार्डवेयर है डेप्सन का, उस पर आप AI मॉडल्स कुछ भी रन कर सकते हैं, जैसे ट्रैफिक डिटेक्शन हो गया, व्हीकल काउंट्स हो गए, और इसको पोल्यूशन सेंसर भी है नीचे। ओके, तो व्हीकल कितना व्हीकल्स आ रहे हैं, कितना पोल्यूशन हो रहा है, वो सब चीज़ पूरा डेटा ये बता देगा। हाँ, और नंबर प्लेट्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे, तो गाड़ी का नंबर प्लेट चाहिए ढूंढना है, किसी गाड़ी का नंबर प्लेट सब चीज़ ऑटोमेटिक कैचअप कर लेगा। ओके, तो कोई वायलेशन हो रहा है, सीट बेल्ट नहीं डाले, तो मतलब कि अंदर तक का जो भी है सब कैचअप कर लेगा, सब ऑटोमेटिक कैचअप हो जाएगा, पूरा अलर्ट आ जाएगा। ओके, थैंक यू। भैया ने बना रखे हैं ड्रोन और एक छोटी सी कार, इसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं भैया से। भैया इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर कर दो। ये हमारा खुद का बनाया हुआ ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड है। ओके, ठीक है, ये Arduino से फास्ट है और उससे ज़्यादा स्टोरेज है इसमें। इसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ वाईफाई इनबिल्ट है, जो कि बाहर से लेते हैं Arduino। भैया एक चीज़, ये आपने बना रखे हैं या ये इनमें क्या क्या चीज़ लगी हुई है, कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ये F450 फ्रेम है, KK 2.15 है, ये 10x5 प्रोपेलर है, ये 1000 kV BLDC मोटर है। ये अपने हम लोग जो कंपटीशन होते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं रोबोटिक्स के, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये रोबो सॉकर बोट है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम फ्लोर है अपना रेसिंग।
भी ये वर्क भी करते हैं? हाँ वर्क है, यहाँ पे भी चला सकते हैं ना, मतलब यहाँ के यहाँ मतलब वर्क करते हैं सब चीज़। हाँ बिल्कुल। ये कितने फीट तक उठते हैं भैया? ये उठते हैं अपने लमसम 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर, और हाइट इनकी अगर ले जाना चाहें तो हम लोग कम से कम 40 से 50-60 भी। इनकी कोई रेंज भी होगी उड़ने की, मतलब रफ्तार एक मतलब की रफ्तार अलग अलग होती है, जैसे वो अपने होते हैं इसमें डिफेंस में होते हैं, अलग होते हैं। मैं वही तो इसकी इसकी क्या है ये वाला जो भैया बता रहे हैं इसके बारे में? ये कॉलेज प्रोजेक्ट है। अच्छा कॉलेज प्रोजेक्ट, तो थैंक यू भैया बताने के लिए। बेसिकली हम स्टेम लैब्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब स्टेम का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अभी इंडिया में ATL लैब का क्रेज़ है, तो ATL लैब भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम रोबोटिक्स सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, कंस्ट्रक्शन किट और ये सब बेसिकली। इसमें मतलब सब चीज़ ओपन ओपन सोर्स DIY किट। ओके थैंक्स। तो अब चलते हैं ऊपर, चलो ऊपर चलेंगे ना यार, एक्सप्लोर कर लिया है तो और अब चलते हैं ऊपर। देख लो हमारा तिरंगा शान है तो अपनी। यहाँ तो ऊपर तो बस ये मीटिंग का प्रोसीजर है बस, क्योंकि यहाँ के बैठ सकते हो। देखो ये रे सारे भाई, ये रे हाई कर रहे हैं। यहाँ इतना खास नहीं है, जो भी इवेंट हो नीचे है ज़्यादातर मैंने आपको दिखा दिया है और सेटअप हो रहा है। ज़्यादातर मैंने आपको दिखाई दिया, आज का व्लॉग हम ये एंड करते हैं। करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा करो व्लॉग एंड तक जरूर देखना, बहुत ही अच्छा व्लॉग है। और बाय बाय बाय।